Hey guys, welcome back to my channel. So, मुझे बहुत सारे questions मिलते हैं कि बालों के लिए क्या करना चाहिए, hair fall कैसे रोकेंगे, dandruff कैसे रोकेंगे. तो मेरे भी बाल बहुत टूटते हैं. एक महीना पहले तो मेरा इतना ज़्यादा hair fall हो रहा था और dandruff, मतलब मैं बाहर निकलने से पहले ना literally माँ के sides को clean करती थी क्योंकि मुझे dandruff की problem इतनी ज़्यादा हो रही थी. Flaky scalp था मेरा, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, दो remedies try की. एक तो है बालों के dandruff को ख़त्म करने के लिए remedy जो मैंने आप लोगों के साथ हजार बार पहले भी शेयर किया है, वो मैंने किया. दूसरा जो है, मैंने एक चीज कंज्यूम करना स्टार्ट किया जिसने मेरे बालों के गेम को चेंज कर दिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10% हेयर फॉल होगा अभी, मेरा बाल एक भी नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसे तो टूटेगा ही नहीं. मतलब कॉम करने के टाइम जितने बाल गिरते हैं वही है, और वो भी बहुत कम हो चुका है पहले से. बट एक महीना पहले अगर मैं रिवाइंड करती हूँ ना सारी चीज़ें, तो मुझे याद आती है कि मेरा कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था. तो हेयर फॉल की बहुत सारी वजह हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, हार्मोन, डाइट, क्लाइमेट, वाटर. इसी के साथ अगर आप अपने बालों को क्लीन नहीं करते हो, अपने बालों का हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, रेगुलरली अपने बालों को कॉम नहीं करते हो ट्वाइस अ डे, तो आपके बाल टूटेंगे ही, स्प्लिट एंड्स भी होंगे. तो इसी वजह से अपने बालों का थोड़ा सा ध्यान लीजिए. और उसी के साथ ये वाला जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि एक महीना मैंने इसका एक बॉटल ख़त्म कर दिया है, ये दूसरा बॉटल है. तो एक महीना इसको कंज्यूम करने के बाद मुझे पता चला कि How much difference this little thing is going to make in my hair. मुझे कोई विश्वास नहीं था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि मेरे इतने बाल टूट रहे थे. तो मैं DIY वगैरह तो कर ही रही थी, हेयर ऑयल मसाज वगैरह सब कर रही थी. इसकी वजह से मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया. मुझे पहले से ही पता था कि हेयर वाइटामिन्स, बायोटिन रेगुलरली खाने से हमारा जो हेयर फॉल है वो कम हो जाता है, हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है. इनफैक्ट हेयर फॉलिकल से बाल ग्रो होने में भी मदद मिलती है इन सारे विटामिन्स और कैप्सूल्स की वजह से. तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे रिजल्ट में ये पावर गमीज मिला. पावर गमीज च्यूएबल हेयर विटामिन्स में बायोटिन है, और सिर्फ बायोटिन ही नहीं, इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और ई है. उसी के साथ विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड है जो बालों के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, B15 है, बायोटिन है, B5 है, आयोडीन है, जिंक है, इनोसिटॉल है, क्लोलाइन है. इन सारे इंग्रीडियंट्स के बारे में मैंने जब सर्च किया तब मुझे पता चला कि पावर गमीज एकदम विटामिन पैक्ड चीज़ें हैं जो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा है. वैसे तो इसका प्राइस 1200 है, पर मैंने नायका से इसे लिया था तो वहाँ पे 960 में आपको इजीली मिल जाता है. नाउ इसे लेना कैसे है, तो आपको हर दिन दो टैबलेट्स लेने हैं. आप सुबह ले सकते हो, दोपहर को ले सकते हो, शाम को ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो. इसको पानी के साथ नहीं लेना होता है. दिस आर च्यूएबल गमीज, टेस्ट इसका काफी अच्छा है. दिस आर वेरी वेरी टेस्टी. दो से ज्यादा तीन मत ले लेना, क्योंकि ये जो एक डब्बा है ये एक महीने तक जाता है. एक महीने बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना होप नहीं था कि इतना अच्छा कुछ रिजल्ट मुझे मिलेगा. बट ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है. मेरे बालों का हेयर फॉल तो कम हुआ है, उसी के साथ मेरा जो हेयर ग्रोथ है वो भी पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. प्लस मेरे नेल्स जो है बहुत टूट जाते थे. मेरे एनिवर्सरी के टाइम मैंने अपने नेल्स एक्सटेंशन करवाए थे, तो नेल एक्सटेंशन करवाने के साथ मैंने वीडियो भी किया था, पर वो वीडियो मैंने कभी अपलोड नहीं किया. जिस लड़की ने किया था उसने इतने गंदे से मेरे नेल्स को बनाया था कि उसके बाद से सिर्फ टूट ही रहे. नेल एक्सटेंशन जब किया भी था वो तब भी बहुत गंदा सा एक शेप दिया था. इंस्टाग्राम में मैंने अपनी नेल्स का सिर्फ फोटोज एंड स्टफ्स शेयर किया था, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, जो कि अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ. मेरे नेल्स का ग्रोथ भी बहुत कम हो चुका था और टूटते रहता था, क्योंकि मेरे नेल्स कभी इतने छोटे आप लोगों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा मेरे नेल्स लंबे रहते हैं. बट दिस टाइम द प्रॉब्लम वॉज सीरियस, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था. इसलिए मैं रात को सोने से पहले विटामिन ई का कैप्सूल अप्लाई करती हूँ. प्लस मैं ये बायोटिन टैबलेट मैंने लेना शुरू किया था फॉर माई नेल्स एंड माई हेयर. एंड ट्रस्ट मी, अभी जो रिजल्ट है, नाउ यू कैन सी कि मेरे जो नेल्स हैं अभी टूटते नहीं हैं. मैंने इसको कट किया है क्योंकि जो पहले वाला शेप था वो बहुत ही ख़राब था, बिकॉज टूटने के बाद ना शेप खराब हो जाता है. सो नाउ दे आर ग्रोइंग एंड नाउ दे आर हेल्दी. सो आई गॉट हेल्दी नेल्स प्लस हेल्दी हेयर्स. इससे ज़्यादा क्या चाहिए. तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज कि आप एक बार इसको ट्राई करो. ये ग्लूटेन फ्री, जिलेटिन फ्री है, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्दी. एक महीने का है तो 60 गमीज आते हैं, यू कैन जस्ट ट्राई देम, इट्स अ वेरी टेस्टी. तो मैंने आज का गमीज अभी तक लिया नहीं है, सो आई एम टेकिंग इट. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये कैप खोलने में मुझे बहुत तकलीफ होती है. ओह, खुल गया. सो आई एम टेकिंग माई टूडेज गमी. एज यू कैन सी,
इतना प्यारा सा छोटू सा गमी है। दिन में दो बार दो गमीज लेन के आप ट्राई करो, 15 डेज के बाद से आप देखोगे आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा और बाल तो इतनी जल्दी उगते नहीं है। एक महीना आप वेट करो, एक महीने बाद आप देखोगे कि बेबी हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो गया है जैसा मेरे साथ हुआ। और इसी के साथ अगर आपके हेयर में भी डैंड्रफ है, क्योंकि डैंड्रफ भी हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, मतलब 1/4 क्वांटिटी ऑफ एप्पल साइडर विनेगर डालिए एक बोल में, भी इस बोल को फिल कर दीजिए नॉर्मल प्लेन पानी से। इस मिक्सचर को अपने बालों के स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए विद द हेल्प ऑफ कॉटन और उसके बाद 1/2 आवर इस मिक्सचर को अपने बालों में सोक कर लीजिए, अपने बालों को धो लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, तो इससे आपका जो डैंड्रफ प्रॉब्लम है वो इंस्टेंटली गायब हो जाएगा। आई होप सो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में और वहाँ पे भी मेरे दोस्त बन जाओ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड।